अहबाब थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो पीछे काफ़ी लोगों को जगह मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات بجي محمد عليه وسلم आपसे दरख्वास्त करेंगे मरहूम ग़ुलाम हुसैन वल्द अब्दुल अली और अपने तमाम मरहूमीन और तमाम शुहदाए मिलत को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। मिलकर जरा बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। कुछ लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि पारे परवरदिगार हमें कुछ अच्छी अजवाज दे दे, कुछ अच्छी औलाद दे दे, उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। यानी सारे मनसब तूने दिए, ये हमारी भी ख्वाहिश है। एक दुआ हमारी है तो हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। हमारी इस पे बात हो रही है इमाम अल मुत्तकीन में। कल हमने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि मुत्तकीन के जो दर्जात हैं यानी कुरान के जो दर्जात हैं, इंसान, मुसलमान, मोमिन और फिर उसके बाद मुत्तकी का दर्जा। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ज़ाहिर है कि दुआ मांगने वाला ऐसा है जिसे मुस्तकबिल की सारी खबरें हैं, जो आगे तक देख रहा है। जहाँ तक इंसान आने वाले वहाँ तक उसकी नज़रें। क्योंकि देखिए हर दौर में एक गरोह की तो ज़रूरत है ना जो मुकावमत करे। हर दौर में देखिए बातिल तो है ना। अच्छा, ये सुन्नत इलाही नहीं कि सिर्फ बातिल ही बातिल हो, हक ना हो, ये भी नहीं हो सकता। बस बातिल है तो हक भी है। बेशक ज़ाहरी तौर पे थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ज़मीन रुए ज़मीन पर सिर्फ बातिल ही बातिल हो और हक ना हो। तो बस इसका मतलब जानता है ये दुआ मांगने वाला कि क़यामत तक एक गिरोह की ज़रूरत है और यही गिरोह होगा जो मुकायमत करेगा, जिसके पास तकवा होगा, जो मुत्तकीन का होगा। तो मुत्तकीन के गिरोह को देख रहा है कि परवरदिगार आलम इसे ना टोक रहा है ना कुछ कह रहा है, बस ये मुत्तकीन मुत्तकीन मनसब के साथ, दर्जे के साथ। मैंने अर्ज़ किया था जो लोग नहीं थे एक जुमले में कह दे रहे हैं कि कुरान मजीद में वाहिद तबका है मुत्तकीन का जिसे अल्लाह ने कोई हुक्म दिया ही नहीं है। कोई हुक्म नहीं दिया, कोई जब जिक्र किया मनसब के साथ किया। क्यों? मतलब यह है कि मुत्तकी पहुंचना बनता उसी वक्त है जब वो सारे मराहिल तय कर लेता है। मुसलमानों को हुक्म है, इंसानों को हुक्म है, मोमिनों को हुक्म है, मुत्तकी को कोई हुक्म? बल्कि ये मोमिनों को भी ये हुक्म दिया गया कि इत्तकुल्लाह, जाओ आगे बढ़ो, तकवा की तरफ बढ़ो, मुत्तकी बनो, है ना। यहां तक बस ये वो लोग हैं। और फिर एक लोग ने यह भी कल हमने बता दिया कि कुरान मजीद में अगर जमा का सीगा आता है तो बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहां एक के लिए जमा आता है, लेकिन ये बहुत लोगों को जिद है कि नहीं जी ये तो हालत रुकू में ज़कात वाली जो आयत है तो जमा है, जमा है। तो कल हमने आपकी खिदमत पेश कर दिया कि आप जमा रख लीजिए, अपनी खातिर जमा रखिए, हमें कोई मसला नहीं है। हम जानते हैं कि जमा भी सही है, मुफरद भी सही है। और शायद यही हिकमत इलाही थी कि अगर सिर्फ एक अली का जिक्र होता आयत में, एक का होता, तो बाकी लोग रह जाते, कहते हैं बाकी के कैसे माने, ये तो एक है। मालूम है कि नहीं, एक का फेल सबका फेल है। रसूल ने भी गवाही दे दी ना, यानी इनमें हर एक मोहम्मद है और हर एक अली है। मुस्तकबिल की खबरें दे रहा है ना। कल मैंने मिसाल भी दे दी कि कौन है ये मुस्तकबिल की खबरें देने। अब देखना ये कि रिवायात में कहीं कोई जिक्र है ऐसा कि किसी ने ये दुआ मांगी हो जिसको कुरान में नकल कर दिया गया। आइए आज एक और शख्सियत का तारुफ भी करा दें और सुन्नत इलाही भी बता दें।
कुरान मजीद वो किताब है क़यामत तक जिसमें कोई तब्दीली तहरीफ नहीं होने वाली, ठीक है ना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। और उसके बाद दूसरे मकाम पर भी है, ला यातीहिल बातिलु मिन बैना यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल इसमें घुस ही नहीं सकता, ना सामने से और ना ही अकब से, अकब जनी भी नहीं कर सकता, इसमें दाखिल नहीं हो सकता बातिल। अब वो एक ज़रा सा सवाल रह जाता है, हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं सब खाम खामे, पूरी दुनिया में एक शोर किया हुआ है, ये तहरीफ के कायल है, तहरीफ के कायल है। भाई अगर आपको दो चार हमारे यहाँ ज़ईफ़ रिवायात मिल गई तहरीफ की, तो कम अज़ कम ऐसा तो ना कीजिए, इंसान को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए, है ना, पहले अपने। लेकिन वो होता है ना कि जनाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो भाई जाके पढ़े इतकान पढ़े, और इतकान के अलावा दूसरी जितनी जमे कुरान की जितनी बहसें पढ़ लीजिए। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि उर्दू में भी किताब दस्तियाब है अल्लामा सियूती की दो जिल्दों में, अल इतकान आ गया तर्जुमा, भाई जाके देख लीजिए किसकियाँ रिवायात ज़्यादा हैं। हमारी यहाँ तो ऐसी रिवायात नहीं है, लेकिन आपके यहाँ इतकान में मिल जाएंगी आपको रिवायात कि सूरह तौबा कितने आयत की थी और इतने वो बकरी खा गई, हमारी थोड़ी है रिवायत। अच्छा हम पर इल्ज़ाम लगा देते हैं 40 पारे का, कौन सी हमारी हमें ऐसी रिवायत है 40 पारे वाली, हमारी तो है ही नहीं। यानी जो जो वहाँ है वो सब उन्होंने हम पर लाद दिया इससे पहले कि हम कुछ कहें, उनका ये होता है ना कि बात अजीब बात है। तो तहरीक की रिवायत आपके यहाँ ज़्यादा है, भाई जाके खंगालो तो सही, अशेख व शेख तो जनाब वो अलग एक आयत, और कुछ आयत का खुद लिखते हैं जमे कुरान की बहस में कि साहब ये आयत लिखी नहीं गई, आयत थी, क्यों, गवाह नहीं मिला दूसरा कि शर्त ही रखी थी कि जिसके लिए दो गवाह होंगे वो आयत कबूल की जाएगी। तो भाई ये तो आपकी यहाँ मेरी यहाँ थोड़ी है, हम तो इस बात के कायल के नहीं, तहरीफ हो ही नहीं सकती, क्यों, हमारा एक और भी अकीदा है ना, हमारा एक और भी अकीदा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाजिल किया। ये जिक्र से मुराद क्या है, 1400 साल हो गए हर मुतरजीम और हर मुफस्सिर ने यही लिखा कि जिक्र से मुराद है कुरान, जिक्र से मुराद क्या है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और जिक्र कुरान मजीद में कई जगह इस माने में अलग माने में भी आया, लेकिन यहां पर खास कुरान का नाम है। और ये याद रखिए कि सिफात समेत कुरान के 36 नाम और सिफतें इसी कुरान मजीद, तंजील किताब कुरान फुरकान और कितने चले जाएगा आप, तो आपको मिल जाएंगे सारे नाम मिल जाएंगे इसी कुरान के, नाम भी हैं और सिफात, ये मिला के 36 या 37 बनते हैं। कभी दर्श दिए थे रमजान में इस मौजू पर, तो याद है 20-25 साल पहले, खैर 36 हो या 37, तो इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ जिक्र से मुराद क्या है, कुरान, हमने जिक्र को नाजिल किया, किसे नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया ना, और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले। अब आप आइए देखिए, समझ में नहीं आती बात, दो मकाम भी आए थे सूरह अंबिया समेत, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। अहले ज़िक्र से मुराद मुफस्सिरीन ने उमूमन ये ली है कि अहले ज़िक्र से मुराद जो उलमा फुकहा ये सब, इनसे मुराद है हर मजहब के, भाई ये मुराद है अहले ज़िक्र, इनके पास इल्म है ना, ये अहले ज़िक्र ये हैं। किसी ने कहा नहीं, खाली मौली मुराद नहीं है, इससे मुराद दानिश्वर भी है, इंटेलेक्चुअल, जो कुरान में गौर व फिक्र, अच्छा भाई चलो तुम वो भी रख लो। किसी ने कहा नहीं सिर्फ इमाम मुराद है, ठीक है ना। मसला सिर्फ इतना सा है कि फसअलू अहले ज़िक्र, कुरान मजीद ने क्या फरमाया, अहले ज़िक्र से पूछो, किससे पूछो, तो पहले आप जिक्र तो ढूंढिए कि जिक्र क्या है। समझ में आई बात, भाई जब आप जिक्र समझेंगे तो अहले जिक्र समझ में आएगा, आप अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, आलिम फकीर ये वो दानिश्वर इंटेलेक्चुअल पीएचडी ये वो सब कहिए किए जाइए आप, भाई आप कुरान से तो पूछिए, क्योंकि मौला ने फरमाया ना युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, इसकी बाज आयतें बाज की खुद ही तशरीह और तफसीर कर देती है। भाई पहले देखिए ना जिक्र क्या है, कुरान ने फरमाया फसलू अहले जिक्र, दो मकाम पे अहले जिक्र से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं, तो भाई जिक्र क्या है, तो जिक्र जो कुरान में है वो तो कुरान को कहा गया है, किसे कहा गया, कुरान को। तो अहले जिक्र से मुराद क्या हुई, जिनके पास कुरान है। तो अब ढूंढो ना कि कुरान किसके घर में आया, कुरान कहां आया, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, हिफाजत। अब समझ में आया,
अब जो बात असल जो आपको नुक्ता देना चाह रहा हूं वो ये नुक्ता देना चाह रहा हूं कि नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। कुरान मजीद की सुन्नत यही है, तरीका यही है कि अपनी मर्जी का फेल हो परवरदिगार आलम अपनी तरफ पलटा देता है उस फेल को अपनी तरफ। दो तीन मिसालें दे देते हैं बस, कभी पढ़े थे इसके ऊपर खमसा हमसा पढ़ा होगा, कभी मिसालें देते वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए हबीब, जब आप कंकरियां मार रहे थे आपने थोड़ी मारी, हमने मारी है। आपने नहीं मारी, हमने मारी। अल्लाह जिस्मों जिस्मानियात नहीं रखता भाई, लेकिन है ना यहां पे कि हमने मारी। मजा यानी ये आपका फेल हमारा फेल है, ये आप जो कर रहे फेल ये हमारा फेल है। यदुल्लाह फौकायदिहिम बयत शजरा में, ये जो हाथ पे हाथ रख के बयत रख कर रहे हो इन सब पर अल्लाह का हाथ। अल्लाह तो जिस्मों जिस्मानियात नहीं रखता, हाथ कैसा? तो अब ढूंढना पड़ेगा ना कि बयात शजरा में सबसे ऊपर है किसका हाथ। यदुल्लाह बोकायदी, बात वाजे हो गई। सबसे आसान मिसाल दे दें इस पे, आपने औरों से भी मजलिस सुनी, मैं तो एक मिनट में मसला हल कर दूंगा। अलम यजिद का यतीमन फआवा ववजद का जालन फहदा ववजद का आइलन फअगना। ए हबीब, हमने आपको यतीम पाया तो क्या आपको पनाह नहीं दी? अब इस लफ्ज की तशरीह करूं, तशरीह करता हूं, तशरीह करता हूं। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए हबीब, जब आपको यतीम पाया तो पनाह नहीं दी, आगोश नहीं दी, सहन नहीं दिया, आंगन नहीं दिया, घर नहीं दिया, तो ये किसकी पनाह है जिसे अल्लाह फरमा रहा है मेरी पनाह। है ना यतीमन फआवा, हबीब आपको यतीम पाया, हमने पनाह नहीं दी आपको, तो किसकी पनाह है जिसे परवरदिगार कह रहे मेरी पनाह? नहीं समझ में आया, आगे आ जाइए। वजदक ज़ाल्लन फहदा वजदक आइलन फागना। ए हबीब, हमने आपको तंगदस्त पाया। तंगदस्त यानी माली तौर पे कमजोर, माल नहीं था आपके पास। वजदक आइलन फागना, तो क्या हमने आपको गनी नहीं कर दिया अपना माल देके? तो आखिर ये किसका माल है जिसे परवरदिगार कह रहा है मेरा माल है? अल्लाह अल्लाह भाई, आखिर ये है किसका माल? कोई तो है जिसके माल को अल्लाह अपना माल कह रहा है। क्यों? याद रखिए, और किसी के माल को अल्लाह अपना माल क्यों कहेगा? बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े अमीर थे, बड़े बड़े सरमायेदार थे, लेकिन सबके माल में हराम माल शामिल था कि नहीं था? कोई शराब की तिजारत करता था, कोई वो हराम जानवर है उसकी खालों की तिजारत करता था, और कोई कैसी तिजारत, कोई कैसी तिजारत, कोई कम तोलता था, कोई महंगा बेचता था, कोई जखीरा अंदोजी करता था। कहत पड़ गया, छुपा लो महंगा बेचेंगे, है ना? सैलाब आ गया, 5,000 वाला खेमा 25,000 में बिकेगा, मजे आ गए, है ना? कैसे ये बेरहम लोग हैं, ये जुमला तो कह के जाऊंगा, कैसे बेरहम लोग हैं। देखा आपने, इंसानियत पर मुसीबत आती है ये खुश होते कि हमारा सरमाया 20 साल में इतना नहीं बढ़ा जितना ये 20 दिन में बढ़ जाए। इन्हें नहीं मालूम कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। जो गरीबों पर रहम नहीं खाते, मुसीबत ज़्यादा लोगों के साथ ये सलूक करते हैं, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी 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 में खुश हो रहे हैं, महंगा हो गया। हम क्या करें? कह रहे ऊपर से महंगा आ रहा है, ऊपर से जाके पूजा का और ऊपर से महंगा आ रहा है, और ऊपर से जाके और ऊपर से महंगा आ रहा है। अरे ये ऊपर है क्या? आज तक समझ में नहीं आया, ऊपर से महंगा आ रहा है। ऊपर से कहां से महंगा आ रहा है भाई? आसमान से महंगा आ रहा है, कहां से महंगा आ रहा है? तेरे पास सलवार भेजी है मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जखीरांदोजी करते थे ना, जखीरांदोजी करने वाले लोग ये सारे काम करते थे। इनके माल को अल्लाह अपना माल कहेगा क्या?
कभी भी नहीं कहेगा। इतनी एहतियात है, उलमा बैठे हैं यहाँ, चेहरों से भी मालूम हो जाता है अहले इल्म का, इल्म का नूर उनके चेहरों पर होता है। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, खाने काबा की तारीख में, अब हम खुद उसे किताब भी लिख चुके हैं, हुआ था ना ऐसा जमाने जाहिलियत में कि बारिश में खराब हो गया था, फिर तामीर करना पड़ा था, आगे थे सब तामीर करने, जब आगे बढ़ते थे क्या होता था, अजदहा निकल आता था, अजदहा समझ में नहीं आता था करें क्या, अजदहा निकल आता था, भाग जाते थे सब, फिर तामीर करने, फिर अजदहा, अल्लाह का घर है ना, फिर किसे बुलाया, बुलाओ भाई, बुलाओ हाशमियों को, या जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बुलाओ भाई, उससे पहले भी ऐसा हुआ तो जनाब उसे को बुलाया गया था, उनको बुलाओ भाई, मसला क्या है, देखें क्या करें। का सीधी सी बात है, पोज बना लो बेटा, एक ही बार सब तस्वीरें ले लो, मैं अच्छे अच्छे पोज बना लो, सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, मेरे बच्चों होता ही है कि जो पहली दिन आता है ना सुबह बोलते हैं प्यारे बच्चों नहीं करो ऐसा, मुझे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, नहीं करो ऐसा, मैं डिस्टर्ब, या बोला नवाज से बेटा मिलकर सलवात भेजें, जवानों से कह रहा हूँ, आके भरवाया बस करो, ये निकलता रहेगा बार बार, पता नहीं कहाँ कहाँ का माल लगा रहे हो, ये माल नहीं चलेगा अल्लाह के घर में, है हाजी साहब, हाजी साहब ये माल ये अल्लाह के घर में नहीं चलेगा, बड़े हज किए तुमने, और हर हज के बाद माशाल्लाह क्योंकि गुनाह धुल गए पहले से ज्यादा, हाजा बिन फजले रब्बी। अरे मैं ऐसे बहुत से हाजियों को जानते हैं भाई, दुनिया भर में उनका कारोबार चल रहा है माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, और हर साल हज भी अल हाज, और जन्नती पक्का है क्योंकि मौलवी को लाखों के हिसाब देता था, बना मस्जिद कितनी बनानी ले पैसा, और मौलवी उसके हक में फतवा भी देता, भाई जैसा भी सही मगर हर साल हज करता है और मस्जिदें भी बनवाता है। समझ में आया कि अल्लाह को अपने घर के लिए ये माल नहीं चाहिए तेरा, स्मगलिंग का, चोरी का, हीरोइन का, ओ भाई वो नशे वाली हीरोइन और कुछ ना समझ लेना, सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, तो समझ में आ गई बात, ये माल नहीं चलेगा अल्लाह के घर में, तो सुनो ये नहीं चलेगा जो तुम्हारा माल है, जाओ जाओ कमाओ और सिर्फ वो माल लाओ जो तुम्हारा पाक साफ है। अब जिस खानदान के पास पाक साफ माल था आखिर में उसी का माल लगा, तो जब अल्लाह को ये गवारा नहीं तो इस्लाम कयामत तक के लिए आना है दीन, तो समझ में आया। अब मैं जो रुतबा बताऊं, आप जनाब अबू तालिब का जिक्र हो तो है ही अपनी जगह मौजूद है, उसके में तो कोई शक नहीं, लेकिन खदीजा का मकाम देखा, इस्लाम के आगाज से लेकर आखिर तक वो पहली ईंट चलेगी, वो पहला माल जो खदीजा ने लगाया था इस्लाम पे, पाक तरीन माल भी खदीजा का, पाक तरीन लहू भी खदीजा का। क्यों नहीं है, सब औलादे जहरा नहीं है जो कत्ल होती रही, शहीद होती रही, आज तक हो रही है, तो जहरा किसकी बेटी है माशाल्लाह, मासूम कौन किसकी साहबजादी है, तब समझ में जनाब खदीजा का मकाम। इसलिए अल्लाह ने इंतखाब किया था कि पाक तरीन माल, क्या सबूत, सबसे बड़ा सबूत इतना ही काफी है। वो मेरे गुजर गए डॉक्टर मदनी साहब जिन्होंने पीएचडी की है जनाब खदीजतुल कुबरा पे और की भी कराची यूनिवर्सिटी से, और हमारे बिरादरान मकतब के, वो इस बात को लिखते हैं कि ये वो हस्ती थी कि ज़माने जाहिलियत जहां ख़वातीन का मकाम क्या था कि सड़कों में खड़े होकर मजाक उड़ाते थे एक दूसरे की, ख़वातीन में माज़ल्ला शेर और सब्तियां कपते थे और लोग खुश होते थे, ये था औरत का मकाम, भेड़ बकरी से भी कम, जब तो जिंदा दफना देते थे बच्चियों को कि बड़ी होगी दूसरे के पास जाएगी, दफन करो इसको मारो यहां पे, ये था उनका हाल। उस मुआशरे में अगर मोहम्मद अरबी का लकब था सादिक और अमीन, वो कहते हैं खदीजतुल कुबरा वो वाहिद हस्ती थी कि जमाने जाहिलियत में जिसे ताहिरा का लकब मिला था, या
ये सब जमीन बना रहा हूँ, कैसे वजूद में नहीं आता इमामुल मुत्तकीन। पाक तरीन पैसा लगेगा, पाक तरीन खून, कितनी दौलत थी। वो हमारिया भी बड़े बड़े बुकरात सुकरात पैदा हो गए। वो हमने एक जगह पढ़ा के 40,000 ऊंट तिजारत के थे तो मजाक उड़ा रहे हैं। 40,000 ऊंट मक्का था कितना सा, कहाँ खड़े होते होंगे 40,000 ऊंट। हाँ भाई, अब जो सुन रहा है वो भी हंस रहा है। हाँ लोगो, मौलवी हसन जफर को क्या बक्के चला गया, 40,000 ऊंट, 40,000 ऊंट। शागिर्द भी हंस रहे हैं, उस्ताद भी हंस रहे हैं, और तकदीर उन पे हंस रही है, मशीयत उन पे हंस रही है। समझ में नहीं आता 40,000 ऊंट। अच्छा मैंने 40,000 कहना, अब जिसका मैं हवाला कह रहा हूं वो कह रहा है 80,000 ऊंट। डॉक्टर मदनी क्या कह रहे हैं, 80,000 ऊंट। क्या करती थी जनाबे खदीजा, ताजिरा थी कि नहीं, और अपने जमाने की सबसे बड़ी दौलतमंद ताजिरा, ज़हीन तरीन, जो 4 साल की उम्र से अपने बाबा की तिजारत का हिसाब किताब जमीन पे लिखना सीखती थी, पत्थर से हिसाब लिखती थी जमीन पे। मेरे बाबा के इतने ऊंट गए, इतने ऊंट आए, तो बाबा ने देखा कि हाँ इसमें यह जहानत है, लिहाजा सारा हिसाब किताब उसे सिखाया। यानी बचपन से अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी थी कि पहचानते थे, वालिद भी पहचानते थे, कौम कबीले वाले भी पहचानते थे कि यही है वो खातून जिसके माल में एक दमड़ी भी हराम की नहीं है। लेकिन सुनिए, बात तो कुछ और करने जा रहा हूं मैं। वो 40,000 ऊंट वाला मसला तो हल कर दूं। मैंने कहा 40,000, उसने कहा 80,000। लो, मैंने कहा लो भाई, वो तो अहले सुन्नत है लिखने वाले हमारे भाई, वो लिख रहा 80,000 ऊंट से। अच्छा आप मुझे बताइए, पीआईए के कितने जहाज हैं, लुटने पिटने के बावजूद भी 40-42 हैं। किसी जमाने में माशाल्लाह 80 होते थे, तो हम सोचते थे कि 10 साल के बाद 280 होंगे। हमें क्या पता था माइनस में जाएगा मामला, है ना। हर चीज रिवर्स रिवर्स रिवर्स। सोचते थे हमारे शहर बड़े अच्छे हो जाएंगे। लो भाई, अब तो आजकल देहात अच्छा है ना। हम तो कह सकते हैं कराची वाले, आके देखिए ना माशाल्लाह कैसा शहर है, ऐसा खूबसूरत दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। हाँ आइए सही, एक बार आके देखिए, फिर आप मुझे दुआएं देंगे। कहाँ फंसा दिया मौलवी ने हमको, बुला के यहाँ सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आया, हर चीज रिवर्स रिवर्स रिवर्स। लेकिन 42 जहाज है। अब मेरे को झूठ बोल रहा है पी आई ए वाला, पागल का बच्चा है। पाकिस्तान में कौन सा एयरपोर्ट है जहां पे 42 जहाज खड़े हो जाए, है कोई बता दीजिए। 42 जहाज कौन खड़े होंगे भाई, झूठ बोल रहे। ट्रेनें किसी जमाने में 450 होती थी, अब बेचारी घटते घटते डायनासोर की तरह उनकी नस्ल भी खत्म हो गई। जैसे डायनासोर की नस्ल खत्म हुई, हमारे यहाँ ट्रेन की नस्ल खत्म हो गई। गिनती की बची है कुछ बेचारी, लुढ़कती पुड़कती हैं। एक अजायब की दुनिया है, वो भी एक अजायबात है। कभी कभी सफर करते हुए मालूम होता है भाई ये भी एक अजूबा है। पाकिस्तान में जो ट्रेन लुढ़कती फिर रही है, ये भी एक अजूबा है। उसमें जब बैठते हैं, जब घर से नाराज हो जाते हैं एक हफ्ते के लिए, क्या बैठ जाओ कराची से, 6 दिन में पेशावर पहुंचेगी, 6 दिन में वापस आएगी, जब तक तो गुस्सा उतर जाएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। लेकिन फिर भी जाके कोई 100-125 बच गई। कितनी बच गई? अब मैं आपसे पूछता हूं, लाहौर में, कराची में, कौन पाकिस्तान में कौन सा स्टेशन ऐसा है जहां ये 100-125 ट्रेन खड़ी हो जाए, है? अच्छा भाई, अब किसी ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं लूंगा वरना पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन कोई बस सर्विस कहती है हमारी 400 बसें चल रही हैं, कोई कहता है 600 चल रही हैं, और बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर जिन्होंने रेलवे को तबाह बर्बाद किया वो कहते हैं हमारे 4,000 ट्रालर चल रहे हैं, कोई कहता है हमारे पास 2,000 है। झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। कौन सा शहर ऐसा है जहां तेरे 4,000 ट्रक खड़े हो जाए, है कोई? कौन सा शहर जहां 2,000 बसें खड़ी हो जाएं, कहां है? क्या मतलब है? ओ खुदा के बंदो, कराची से लेके पिशावर तक, कोयटा से लेके यहां तक, जीबी से लेके कराची तक, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक जगह खड़े थोड़िए। उसकी गाड़ियां चल रही हैं जगह जगह, उसके अड्डे बने हुए, मरकज बने हुए। ये एक जगह खड़े होने के लिए नहीं होते, ना जहाज ना ट्रेन है ना बस है ना किसी भी चीज की मिसाल ले लो, चल रही है गर्दिश में। तो 40,000 ऊंट एक जगह खड़े होने के लिए नहीं थे। पहले तिजारत देखो, जाओ तारीख की बात कर रहा हूं,
रिवायत की बात नहीं कर रहा, जाओ देखो पढ़ो कि तिजारत थी कहां तक जनाब खदीजा की। उस जमाने में यूरोप तक यानी अंताकिया तक सामान जाता था जनाब खदीजा की तिजारत का। रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, हवा में बातें नहीं कर रहा, तारीख बता रहा हूं आपको। अंताकिया तक, शाम तक, यमन तक, अफ्रीका तक, और जगह जगह आपके मराकिस बने हुए थे। तिजारत है तिजारत। वहां लोगों को शक्ल दिखाने के लिए 40,000 ऊंटनी खड़े किए हुए थे। ये हर वक्त सफर में, हर वक्त सफर में, जैसे आपकी यहां बसें, ट्रक, रक्षे, टैक्सियां, समझ में आ रही है बात? सफर में जहाज उड़ रहा है भाई। ये तो मैंने पीआईए की मिसाल दे दी लुटी पीटी, वरना दुनिया में कौन कितनी एयरलाइंस है जिनके जहाज 250 का बेड़ा है, 300 का बेड़ा, कहां खड़ी करेंगे? खड़े करने के लिए खरीदा है या चलाने के लिए खरीदा है, उड़ाने के लिए खरीदा है, काय के लिए खरीदा है? इतनी सी बात समझ नहीं आती। जिसका चाहो मजाक उड़ा दो, जिसके चाहो तोहिन कर दो। मैंने कहा ना मशीयत इनका मजाक उड़ाती है, जरा सकल से काम नहीं लेते हो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ऐसा माल, इतनी बड़ी तिजारत, इतनी बड़ी, एक काफिला नहीं गया था हबशा, वो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है एक, न मालूम कितनी बार हिजरत हुई हबशा तक। वहां रहने तक का सामान जाता था, इतना माल देती थी खदीजा, यानी अल्लाह के रसूल देते थे खदीजा के माल में से। जाओ रहो, जिंदगी गुजारो। शाब अबी तालिब के 2.5 साल ब्लैक में, ब्लैक में कुछ अजीज थे उनके जरिए से पैसा, तो माल तो भेजते थे ना, क्यों पैसा जो कमाना था। अब तो महंगा बिकेगा, तो ये जनाबे खदीजा का माल था, उनके मामूदात खालादात जिनका नाम मिलता, वो सामान बेचारे खरीद खरीद के रात की तारीख में चुपके से जितना पहुंचा सकते थे। वरना तो फाके भी हुए कि नहीं हुए, वहां फाके भी हुए। और ऐसा भी वक्त आया कि बच्चे रेत के जर्रों में से चावल के दाने और दाल के दाने ढूंढा करते थे शाब अबी तालिब। और इतना पैसा था कि हिजरत हो गई, पढ़ लीजिए, ये भी तारीख है, ये भी रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है। जब मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अपने पास से 10,000 दिरहम दिए। ये कांच किसके थे? 10,000 दिरहम कहां से आए? हुजूर की तिजारत तो नहीं थी, ये था माले खदीजा। क्यों? परवरदिगार चाहता था कि इस्लाम की बुनियादों में पाक तरीन माल लगना चाहिए, इसलिए इस माल को परवरदिगार ने फरमाया बाबा ज्यादा का आइलन फाखना, जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो क्या गनी नहीं कर दिया। यह है माले खदीजा, यह है माले खदीजा। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बस, इधर कौन सा सिलसिला? असलाब शामिखा का, जनाब अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम अब्द मनाफ, उसे चले जाइए ऊपर तक, चले जाइए ऊपर तक, असलाब शामिखा। और जनाब खदीजा कौन? अरहाम मुतहरा का मरकस, अरहाम मुतहरा का मरकस। जमाने जाहिलियत में इसीलिए गवाही दिलवाई, लकब मौजूद है आपका जमाने जाहिलियत में, जमाने जाहिलियत में ताहिरा ताहिरा ताहिरा। अब बोलते रहो इतने साल की थी, उतने साल की थी, इससे शादी भी, फला से शादी भी, कहीं तो अपना बोझ निकालना है ना, दिल के फपूले कहीं तो फोड़ने हैं, फोड़ते रहो। हमने कहा ना हमें क्या गरज है, हम तो जो जानते हैं वो तुम्हारे सामने बयान करते रहेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस अब समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं पड़ती मुत्तकीन की बुनियाद, ऐसे नहीं पड़ती इमामुल मुत्तकीन की बुनियाद। असलाब शामिखा अरहाम मुतहरा का सिलसिला है जो मुतवातिर, एक तवातुर के साथ, एक तसलसुल के साथ आ रहा है। अब इमरान इब्ने सफी जो
रावी है इस रिवायत का और हर जगह इसी से नकल किया गया, कहता है मैंने 25 साल अली के साथ नमाज पढ़ी, जब अली कुनूत में पहुंचते थे इसी आयत की तिलावत करते थे, रब्बना हबलना मिन अज़वाजना वज़ुर्रियातना कुर्रता अयुनिम वज़अलना लिल्मुत्तकीना इमामा। किसी की मजाल ही नहीं, क्यों? जानता है हर शख्स कि ये लकब किसी पे सजते ही नहीं सिवाय अली के। वजअलना लिल्मुत्तकीना इमामा, माबूद हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे बस, चाहे कितना ही कम हो और कितना ही छोटा करो हो लेकिन मुत्तकीन का। और क्योंकि आयत का हुक्म जारी है, दो दिन से आपसे अर्ज कर रहा हूं जारी है ना रुकानी, फिर वही बात जमा जमा, तो मैं भी तो कह रहा हूं जमा, क्योंकि मुत्तकीन की इमामत को अली पे रुकना नहीं। हसन अपने जमाने में दुआ मांग रहे हैं कामयाब, हुसैन अपने जमाने में दुआ मांग रहे हैं कामयाब, जैनुल आबदीन अपने जमाने में दुआ मांग रहे हैं कामयाब, मोहम्मद बाकिर अपने जमाने में दुआ मांग रहे हैं कामयाब, हर इमाम अपने जमाने में दुआ मांग रहा है। तो जमा हो गई कि नहीं हो गई? कुछ लोग हैं जो दुआ मांग रहे हैं, तो बस फिर आज भी एक दुआ मांगने वाला मौजूद होना चाहिए जो दुआ मांग रहा हो, ए बारे इलाहा हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। बुलंद आवाज से सलवाती नायत फरमा दीजिए, बस, क्योंकि ये वो मांगने वाले हैं जिनकी नजरें माजी पर भी हैं मुस्तकबिल पर भी हैं, जो जानते हैं कि हमारे दफ्तर में किस किस का नाम दर्ज है, ये नाम दर्ज ना हो तो करबला नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। जिसका नाम दर्ज है ना, चाहे एक बार जाए, और सुनिए बहुत सौ के नाम दर्ज हैं मगर वो करबला नहीं जा सके, मर गए, नाम दफ्तर में लिखा है। जानते हैं क्या राज है? ये राज ये है कि वहां बड़े बड़े मलून दफन है, नहीं दफन है करबला में भी, नजफ में भी, आप क्या समझ रहे हैं? जिसके पास पैसा वहां गया उन्हें दफनाओ, इधर दफना दिया भाई, जा भाई है जो भी है, बड़े बड़े मलून, यजीद सिफत दफन है भाई, खुरासान में दफन नहीं है इमाम के कदमों में, है कि नहीं है? कितना बड़ा मलून दफन है, तो पता नहीं कितने दफन, जिसने जो आपने आपको दफन वाली है, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी दफन हो जाओ भाई। करबला नजफ की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ गई बात, कहां की बात कर रहा हूं? करबला नजफ की। होता क्या है, वो गरीब जो हसरत लिए चला गया, जोड़ नहीं सका इतना कि मैं करबला जाऊं, जानते हो क्या होता है उसके साथ? उसके साथ होता यह है कि कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी, कहीं भी दफन कर दो करबला में खाक पहुंचेगी, कहीं भी दफन कर दो करबला में खाक पहुंचेगी, मैं दरिया हूं बिलाखिर मुझको मिलना है समंदर में। ये तो शेर है, रिवायत थोड़ी है, लेकिन नहीं, याद रखो जो हसरत ने चला गया उठेगा कहां से? करबला से। और जो वहां दफन भी कर दिया गया वहां से नहीं उठना, वादी उस सलाम से वही उठेगा जो वादी उस सलाम के काबिल होगा, वरना किसी को भी दफन कर दो वो वहीं से उठेगा जहां से उसने उठना है। अब जगह का नाम मैं नहीं लेता, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, जिसका नाम लिखा, जिसका नाम लिखा।
मैं अकीदा रजा पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अगर सच्ची हसरत लिए चला गया ना दुनिया से, तो इमाम उसको भी वापस बुलाएगा, अंसार में शामिल करेगा। क्यों? इसलिए कि असहाबे कहफ को आना है कि नहीं आना? आना है ना, असहाबे कहफ को आना है। जब इमाम आवाज देगा असहाबे कहफ को लब्बैक कहते हुए, आना पड़ेगा, मदद के लिए आना पड़ेगा। अब वो वाली वही वाली बात होगी कि जो हमने अंबिया से रसूलों से अहद पैमान लिया था, कि ईमान भी लाओगे उस पर, उसकी मदद भी करोगे। बज़ाहिर इसके देखिए ना, कुरान का एक जाहिर है और एक बातिन है, और ये बातिन दर बातिन पता नहीं कित, अब मैं एक ही बातिन की बात कर रहा हूँ। बज़ाहिर पैगम्बर खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंबिया से अहद लिया। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा ना इस मतलब को, बज़ाहिर किसे अहद लिया है? अंबिया से, रसूलों से। किसके लिए? पैगम्बर खत्मी मरतबत के लिए, उसकी मदद भी करना, उस पर ईमान भी लाना। वो आएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसकी तस्दीक भी करेगा, उस पर ईमान लाना, उसकी मदद भी करना। लेकिन सवाल यह है कि वो अंबिया तो पहले चले गए, उस पर ईमान लाएं, चलो ईमान आलम अलस्त में लिया है, मदद कैसे करें? वो तो पहले चले गए, पैगंबर तो बाद में आए, है ना, पैगंबर तो बाद में आए। बस बातिन में एक ही मतलब बचता है और कोई नहीं। ये ना सही, जब आखिरी मोहम्मद आएगा तो इतना तो सब मानते हो ना कि जनाबे ईसा भी आएंगे। चार हस्तियों का तो सब नाम लेते हैं, जनाबे ईसा, जनाबे खिज्र, जनाबे इदरीस, और कहीं जनाबे इलियास का भी नाम है, या कहीं जनाबे इलियास की जगह जनाबे नूह का नाम है ना। आएंगे ना, और क्या करेंगे कि आइए, इमाम उनसे कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, जनाबी से कहेंगे नहीं, ये आपका हक है, ये मोहम्मद अरबी के वारिस का हक है। तो सारे अंबिया, ये तो चार की है ना, और दूसरी रिवायत में क्या है कि नहीं, 1,24,000 अंबिया उसकी नुसरत को भी आएंगे, उसके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, उसके पीछे। यह है वो दीन मोहम्मदी की नुसरत का अहद जो अंबिया से भी लिया गया, मदद करना सब उसकी। वो जो आखिरी मोहम्मद आएगा, मोहम्मद का बेटा आएगा, अली का बेटा आएगा, उसकी मदद करना सब सुलेमान। तो ये इसीलिए जनाब ईसा की रिवायत हर जगह है ना, तमाम मकातिब में, सिवाय नासिबियों को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह रिवायत मौजूद है ना, जनाब ईसा नबुवत मुक्तदी होगी, इमाम मुक्तदा, यानी नबुवत इक्तदा करेगी किसका? इमाम का, इमाम का इक्तदा करेगी नबुवत, इमाम सब। अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हम, बस एक बात जानते, सिर्फ एक बात जानते, वो एक बात ये जानते हैं कि देखिए दीन बनाना रसूल का काम भी नहीं है। आखिरी बात आज की, नतीजे तक पहुंचा दें आपको, फिर मजलिस खत्म करें। रसूल का काम है दीन पहुंचाना, याद रखिएगा रसूल का काम क्या है भाई, इसीलिए तो 23 साल वही आई ना, जो हुक्म आता गया जब जब आया। अल्लाह का रसूल जानता है नमाज वाजिब है, खुद पढ़ते भी थे, लेकिन जब तक हुक्म नहीं आ गया लोगों तक को आयत नहीं पहुंचाई। और शुरू में तो इतनी बात थी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पा जाओ, नजात पा जाओ, हालात ऐसे थे। वही ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह दो इन जहाल कुरैश के सामने, वो भी काफी है, इन जालिमों के सामने इतनी कह दो, गवाही दे दो, मेरी अल्लाह की गवाही और मेरी रिसालत की गवाही दे दो, बस काफी। फिर मामला आगे बढ़ता गया ना, हुक्म आते गए अल्लाह का रसूल पहुंचाता गया, हुक्म आते गए अल्लाह का रसूल पहुंचाता गया। रसूल अपनी मर्जी से कोई हुक्म नहीं दे सकते, जानते हैं, लेकिन हर हुक्म का एक वक्त है। रसूल जानते हैं कि मेरे अहले बैत में कौन कौन है, जानते हैं ना, लेकिन नहीं, अल्लाह का जब हुक्म आएगा, जब बयान किया जाएगा। अल्लाह का हुक्म कब आया? मुबाहले में आ गया ना, मुबाहले में आ गया ना, अभी अब वक्त आ गया। अभी इनको बता दीजिए कि आपका अहल कौन कौन है, और ये अल्लाह भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है कि इसके बाद भी नहीं मानेंगे, इसके बाद भी ना मानो, लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी है, कोई गोलियां चलाने की बात थोड़ी है, ना मानो ना मानो,
लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो बता दिया कि कौन है मिस्ताख इस आयत का, आए मुबाहला का मिस्ताख, और सब मुफस्सिरीन ने लिखा फिर भी नहीं मानते, फिर भी इधर उधर से कुछ ना कुछ डंडी मारने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, इन्हें शक भी है, खुद भी शक है, पता है आप शक है। वैसे पूछो तो कहेंगे सब शामिल हैं जी इसमें, अहले बैत में सारे के सारे शामिल, और बाद ने सबको शामिल किया, असहाबा भी शामिल है, अच्छा भी शामिल कर लो, हमें क्या है। हम जब दुरूद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन व आले, यही कहते हैं ना, क्योंकि हमें कोई शक नहीं, हम जानते हैं कि आले मोहम्मद में कौन कौन है ना। जब आपको मालूम है कि आले मोहम्मद में सब शामिल हैं तो इतने ही पढ़िए, फिर ये आगे बढ़ाते क्यों हैं, है ना, नहीं समझे आप, नहीं समझे, बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं, वह फला ही अजहाब ही बढ़ा रहे ना, क्यों, इसका मतलब आप जानते हैं कि सब शामिल नहीं है, शामिल होते तो आप अलग से ना पढ़ रहे होते, हम पढ़ते इत्मीनान से, हमें मालूम है आले मोहम्मद का मतलब क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि कितने ही लाइक साइफ लगा लीजिए, आपकी मर्जी, आप जो चाहिए लगा लीजिए, लेकिन हिम्मत है तो नमाज में बढ़ा के बताइए। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो नमाज में बढ़ा दीजिए, वहां पर जल जाएंगे, वहां नहीं बढ़ा सकते। बात वाजे हो गई, बताया, मैं अर्ज क्या कर रहा हूं कि अल्लाह का रसूल भी अपनी मर्जी से नहीं बता सकता, कितनी जगह परवरदिगार ने रोका है अभी को, नहीं हबीब जल्दी ना कीजिए, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना, अभी नहीं, जब तक वही ना आ जाए बोलिए मत। इसका मतलब ये कि रसूल ने कई मकामात पे कुछ कहना चाहा, अल्लाह ने रोक दिया। ये कहना चाहा का मतलब क्या हुआ कि रसूल जानता है ना, इल्म है, रसूल चाहता है कि बता दो, परवरदिगार कहते नहीं हबीब, ए मेरे हबीब, अभी नहीं, अभी नहीं, इशारे करता रहा रसूल, वो भी अल्लाह के हुक्म से। जब आयत आई अंजी रशीद अकरबीन दावत जुल अशीरा, वहां बता दिया कौन है, बताया नहीं बताया, शब हिजरत वमिन अन्नास मन यशी नफ्सो इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, वहां बता दिया कौन है, नफ्स पैगंबर बताया कि नहीं बताया, कौन है, मैदान जंग में बताया, या अली हरबों का हरबी, तेरी जंग मेरी जंग है, ये तू वार नहीं कर रहा, मैं वार कर रहा हूं। अब समझ में आई बात, बताता रहा अल्लाह का रसूल। ग़ज़वे तबूक जो कि हुआ नहीं, लेकिन निकल के तो गए, नाइब बना के गए, बता दिया, नहीं समझ में आया, कितने मकामात पे अल्लाह के रसूल चाहते होंगे कि बता दूं, बता दूं, बता दूं, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं आया। यह आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्या ये बताइए, रोजे अजल से, अव्वल से नहीं, जब अल्लाह ने खल्क किया जब से, ये मुराद है, जब से अली वली है कि नहीं है, है ना, मौला है कि नहीं है, है मौला, जब जुल्फिकार नादरी, जब भी मौला, जुलाशीरा में 9 साल का सही, 8 साल का सही, 7 साल का सही, इसमें भी राज है, जो उम्र के सन बता रहा हूं, क्यों, लोगों ने बड़े जले दिल के साथ लिखे हैं जुमले, बच्चे थे जब ईमान लाए, बच्चे थे, अपने ख्याल में बड़ी चालाकी दिखाई है, बच्चे थे, मतलब बचपन में क्या होता है, 7-8 साल के थे, मैं कहता भाई तू 6 साल का कर ले, हमें क्या परेशानी है, और तू 5 साल का कर ले भाई। अब सुन, सुन कि अली का बच्चा होना क्यों जरूरी था, अब ये याद रखेंगे मेरे जवान, हमेशा जो तोहफा देने जा रहा हूं इमाम मुत्तकीन की तरफ से तुम्हें, सुन, गजबों का आगाज बद्र से नहीं हुआ, उहद से नहीं हुआ, कुछ गजवात मक्के में भी हुए, सुनो कौन सा है पहला गजवा, पहला गजवा वो है जब अल्लाह के रसूल निकलते थे घर से, वो अपने बच्चों को छोड़ देते थे, खुद तो नहीं आते थे ना, क्यों, अबू तालिब के डर से,
अबू तालिब ने एक दफा पीट दिया था ना मक्के के अंदर ही मस्जिद हराम में, गिरा के मारा था लातों से, ठोकरों से सीधा कर दिया था उनको, तो सामने लिया पूरा मक्का। किसी ने मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा, ऐसी जैसे अबू जहल का साफा फेंक के और जूते से इसका सर मसला ना, यही हासिल करूंगा सबका। तो डरते थे, अब क्या करें, शैतानी दिमाग। हाँ कल क्या ऐसा, बच्चों को लगा दो पीछे, किसको लगा दो, अब शिकायत लेके आ गए बच्चे, आपके बच्चे तो समझ नहीं जो जाएंगे। अब हुजूर निकलते थे बच्चे पीछे, तो बच्चों को दे लो भाई, तुम्हें देंगे भाई 20 रुपए, जाओ चिप्स खरीद के खा लेना, ये काम कर दो, बच्चे तो दौड़ जाएंगे पीछे पीछे, छोटे छोटे बच्चे, चलो भाई चिप्स की पैकेट मिलेगा, चलो भाई पुफक मिलेगा, क्या होता है वो मिलेगा, ये सब मिलेगा, चलो भाई। लग गए किसी के पीछे, अच्छे भले आदमी को पागल बना दे वो, जो बिल्कुल सही हो उसके पीछे बच्चे पड़ जाए तो उसको पागल कर देते वो। अब ये हुजूर निकलते थे, ये बच्चे पीछे लग गए, कंकर मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, हुजूर साहब खामोशी से लेते, एक दफा कंकर सर पे लग गया, अल्लाह का रसूल छुपाना चाहता था अबू तालिब से, मगर अबू तालिब ने जख्म देख ही लिया, तैश में आ गए अबू तालिब, तलवार निकाल, ए मेरे भतीजे किसने तुझे ये जख्म लगाया। हाशमियों को आवाज देना चाहते थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अच्छा अच्छा नहीं, ये जंग का मौका ही नहीं है, ये किसने जख्म लगाया, क्या आपके डर से खुद तो आते नहीं हैं, हमेशा कुर्बानी के बकरे रखते हैं आगे। अभी एक और का जिक्र करूंगा, चलिए बता ही देता हूँ, गदीर में भी एक कुर्बानी का बकरा रखा था ना, कि पहले इसका अंजाम देख ले फिर सोचेंगे क्या करना है, जैसे उसका अंजाम देखा था मुबारकबाद वाली लाइन में लग गए, समझ में आ गई बात, तो हमेशा ये कुछ ना कुछ कुर्बानी के बकरे रखते थे आगे, तो इनको रखो देखेंगे क्या होता है भाई, क्या क्या वो आपके डर से खुद थोड़ी आते हैं, बच्चों को लगा देते हैं, मैं क्या कहूँ, अब मैं आपसे शिकायत करूँ, आप जाएंगे बच्चे हैं भाई, बच्चों का क्या है, बच्चे तो ऐसे ही जिसके पीछे पड़ जाए, बच्चों को क्या करें हम, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। सोचा फिर अबू तालिब मुस्कुराए, कहते ठीक, कह रहे कोई बात, कल से हमारा बच्चा भी तुम्हारे साथ जाएगा, समझ में आया, कल से हमारा बच्चा भी तुम्हारे साथ जाएगा, कोई बात। दूसरे दिन अली को हुक्म दिया अबू तालिब ने, अली अपने भाई के साथ जाओ, वो ख्याल रखना, ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना पहुंचाने पाए तुम्हारे भाई को। अली मुस्कुराए, पहला गजवा, पहला गजवा, हमसे पूछो ना गजवात का आगाज हुआ कब है, पहला गजवा मक्के में, अली तैयार, क्यों पहला मारका होगा आज हक व बातिल का। अली निकले साथ, वो जैसे रसूल निकले वो जमा हो गए, अली को देखा तो झिझक गए, बच्चे बच्चों को पहचानते हैं ना, झिझक गए, आज अली साथ है तो इतना तो मालूम होगा मक्के में, के जोरे बाजू तो देखा होगा ना बचपन में भी, लेकिन फिर तादाद को देखा बहुत है भाई, और 150-200 मसले कोई नहीं, चलो शुरू हो जाओ। उधर वो शुरू हुए, उधर अली ने इजाजत तलब की, अल्लाह के रसूल इजाजत है, अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा इजाजत है, तो बच्चों का मामला है, अब तो बच्चों की बात है, जाओ। उसके बाद क्या नक्शा खींचा है मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकाम ने, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, खुदा की कसम ऐसी मंजर कशी की है मुफ्ती जाफर साहब ने, इतनी जगह ये मारका पढ़ा, लेकिन जो लुत्फ मुझे मुफ्ती जाफर साहब का पढ़ने में आया जब उन्होंने ये मारका लिखा है, अबू तालिब का बच्चा कुफारे कुरैश के बच्चों में घुस गया, और फिर उसके बाद ये बच्चे उछलना शुरू हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी की कमर टूटी, किसी की गर्दन, किसी की नाक, किसी का दांत, और सब चिल्लाते हुए भागे, या कसीमो, अरे अली वो अली है जिसे इतने लकब मिले अल्लाह से रसूल से, एक लकब उनसे भी मिला जिनकी अली ने हड्डियां तोड़ी थी। जानते कसीमों का क्या मतलब है, काफ, ज़ाद, ये मीम,
कजीम, कजीम का माना है हड्डियां तोड़ने वाला, या कजीम है हड्डियां तोड़ने वाला, ये हड्डियां तोड़ने वाला। घुसे अपनी माओ की गोदों में घुसे जाते थे, कजीम कजीम, माँ ने भी एक दर थप्पड़ मारे, कौन कजीम, बोलो तो सही, किसने हड्डियां तोड़ी तुम्हारी, पिट पिटा के आ रहे हो सारे लौला, हुआ क्या, कौन कजीम, कबू अली, अबू तालिब का बेटा अली, मार मार के हमारी हड्डियां तोड़ दी। सारे जमा हो गए, बड़े बूढ़े पुराने पुराने घाग सब जमा हो गए, जहां गुस्से में अल्लाह त्यार त्यार, ये क्या हुआ हमारे बच्चों को मारा उसने। अब जब सब आके गुस्सा निकाले तो एक ने कहा जा रहे हो, कहा अबू तालिब के पास, क्या करने, क्या शिकायत लेके आनी थी, क्या शिकायत करोगे, वो भी तो यही कह देगा बच्चों का मामला है, और फिर क्या कहोगे, तेरे एक ने हमारे 150 की हड्डियां तोड़ दी, ये है अली, हर जगह बताया अल्लाह के रसूल ने। अब समझ में आया, जो लिख देते हो 6 साल के थे, 7 साल के थे, तू 4 साल का बना दे, हमें कोई परवाह नहीं। इसलिए अली का मक्के में बच्चा होना जरूरी था कि अगर अली छोटे ना होते तो ये गजवा कौन लड़ता। ये गजवा कौन लड़ता भाई, फिर ये जंग कौन लड़ता अगर अली छोटे ना होते। अब समझ में आया, मशीयत इलाही, अली जवान होते तो फिर कैसे लड़ते उन बच्चों से, सब कहते बच्चों को पीट लिया, नहीं इसलिए छोटा होना जरूरी था। अब ये कहेंगे नहीं नहीं 15 साल के थे, अब तू बढ़ाता रहे उम्र, तारीख से कैसे मिटाएगा जो तूने लिख दिया, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है अली साहब वो जो कहा था ना जुलाशीरा में, मैं अगरचे मैं छोटा हूं, मेरी टांगे भी पतली है ना इनके मुकाबले में, मेरे बाजू भी इनके मुकाबले में छोटे, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं वादा करता हूं आपकी नुसरत करूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपकी सिपर बनूंगा, आपके दुश्मनों से लड़ूंगा, आपके दुश्मनों को आपसे दूर करूंगा। अहदो पैमान क्या था अली ने अल्लाह के रसूल के साथ, अहदो पैमान था, लेकिन क्या विलायत का ऐलान किया, नहीं किया ना, शब हिजरत किया, नहीं किया, बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, फतेह मक्का में, मुबाहले में, कहीं ऐलान नहीं किया, क्यों, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि अली मौला है, है ना, नहीं। इसमें भी देखिए हिकमतें और होंगी, लेकिन एक जाहिरी हिकमत तो समझ लीजिए ना, सीधी सीधी सी, जितनी भी हदीसें हैं सब में गड़बड़ हुई, उनके बकौल भी और हमारे बकौल भी, वो भी यही कहते हैं अगर गड़बड़ ना होती तो 9-9 लाख में से 4-4 हजार कैसे निकालते, खुद ही भाई बता देना, नहीं कर रहा वो खुद लिख रहे हैं कि 6 लाख और 7 लाख थी, इनमें से फलाने ने 4 हजार निकाली, फलाने ने 6 हजार, फलाने पर इसका मतलब बाकी सब गढ़ी गई थी हदीसों के साथ, हुआ ना, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उनका नहीं आगे भी कुछ है, लगा दे भाई तेरी मर्जी, हम क्या करें, जो मर्जी कर लो, तो हुआ ना, ये इधर उधर माना गलत, ये गलत, वो गलत, तफसीर करते रहो भाई जो कर, नहीं विलायत का मामला इतना आसान नहीं था, है ना, बाकी हदीसों के बारे में क्या लो, वो 12 खुलफा 12 जानशीन वाली हदीस पे जितने रावी मैंने पढ़े वहां, वो सब कहते हैं कि हाँ हुजूर ने कहा 12 खुलफा कुरैश से होंगे, आगे भी कुछ कहा था मैंने सुना नहीं, शोर हो गया, क्यों, आगे अल्लाह के रसूल ने नाम बताए थे 12, वो तो अल्लाह भला करे जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी मौजूद थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद थे, उन 2 से पूरे 12 इमामों के नाम आए हैं, बाकी के कान अजीब होते थे, पता नहीं क्या होता था, पहला हिस्सा सुनते थे बात का हिस्सा, का कुछ और भी कहा था रसूल ने कि शोर बहुत था, तो हर हदीस के साथ ये होता ना, और हुआ, लिहाजा एक ही हज किया अल्लाह के रसूल ने, बस एक ही हज, हज्जतुल विदा जिसको कहते हैं, एक ही हज किया अल्लाह के रसूल, उससे पहले हज नहीं किया,
उमरा किया है, तवाफ किया, हज नहीं किया, हज एक। लिहाजा पूरे आलम इस्लाम में ऐलान हुआ सब आओ हज पे। मौलाए कायनात कहां से गए थे हज पे जानते? यमन। कहां से गए थे? बहुत मुश्किल है ना, बच्चे बड़ी हैरत से देखते हैं, हालांकि तारीख है और तारीख हमारी बताते नहीं लोगों को, खास वाकयात बता के चले जाते हैं, ये ज्यादती होती है, जुल्म होता है। मौला यमन के वाली थे भाई, अल्लाह के रसूल ने मना कर भेजा था, यमन का वाली, लिहाजा यमन से पूरा काफिला। इसीलिए तो आज तक वो यमनी जो अली की विलायत से सरशार है, दो जगह बता दूं, एक जबल आमिल वो इलाका जिसे अबू जर ने शिया किया था, आज तक साम्राज्य के सामने सिर्फ डटा हुआ नहीं, जूते मार मार के उनका हश्र किया हुआ है। ये जबल आमिल का इलाका है, नहीं लुबनान, ये पूरी बेल्ट, और यमन में मौला खुद है। लिहाजा आज तक फख्र करते हैं यमन के लोग कि हम पर अली की विलायत थी, हम अली की विलायत में थे। आज तक डटे हुए ना, डटे हुए कि नहीं? बेसरो सामानी के आलम में भी डटे हुए हैं, इसलिए बता रहा हूं। मौला अली कहां से आए? यमन से, काफिला लेके हज का। तो पूरे आलम इस्लाम जमा, जहां तक इस्लाम फैला था सब जगह से लोग आ गए, है ना, सब जगह से। वरना किसी हदीस को 100 ने सुना, किसी को 10 ने सुना, किसी को 20 ने सुना, यही है ना। किसी ने कहा मैंने सुना ही नहीं, मैं तो सो रहा था। हाँ ऐसा भी है, यकीन मान। जब उनसे बोला भाई तुम भी तो फला मकाम पे थे, तो मैं तो नींद आ गई थी, इनको ऐसे वक्त में नींद आ जाती है, ऊंग आ गई थी, मैं सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। चलो अल्लाह के रसूल ने भी बड़ा एहतमाम किया, सारा आलम इस्लाम जमा हो गया। अरफात में नहीं कहा कोई, अरफात में खुतबा दिया है लेकिन ऐलान थोड़ी क्या कोई, क्यों? वहां भी यही मसला है, कोई कदम में तो अपना खेमा ढूंढ रहा था, मुझे उतना कैंप ही नहीं मिल, जो हज करके आया वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अरे गरम, मुझे क्या पता क्या हो रहा था भाई, मैं तो अपना खेमा ही नहीं मिल रहा था, मैं ढूंढता फिर रहा था मैं, है ना, ऐसा है ना, जो हज करके आया समझ रहे ना, मेरे को पागल हुआ हुआ था भाई, मुझे क्या पता क्या हो गया। मुजदलिफा में भी ऐलान नहीं किया, क्यों? वो भाई इतना थका हुआ बाबा, रात का यहाँ से आया था रफात से, इतनी मुश्किल से पैदल चल के पहुंचा, सो गया था मैं तो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मीना में भी नहीं किया, क्यों? रहो मैं तो कुर्बानी के लिए बकरा ढूंढते फिर रहा था, मैं कसाई ढूंढ रहा था, कोई कह रहा मैं नाई ढूंढ रहा था हल करवाने के लिए, है ना, यही था ना मीना में, जो हज करके आए समझ रहे मेरे पागल हुआ हुआ था आदमी, इधर ये ढूंढ रहा उधर वो ढूंढ रहा है। और कुछ को मैंने यकीन माने, मैं मिंबर पे बैठा हूं, मैंने खुद मुझसे कह रहे कि मेरे बेटे ने मरवाया, मुझे यहां भेज दिया, मिंबर पे बैठा हूं, और मैं उसे कह रहा हूं खुदा का खौफ कर, क्या बेटे ने मरवाया मुझे, मतलब कि जान के भेजा, बुढ़ापे में यहां आ जाऊं वापस ना जाऊं, यही खत्म। तो ऐसा होता है हज, जिन्होंने किया है कि कितने सख्त और बड़ी मुकावमत चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने एक बार वाजिब किया, कितनी बार वाजिब किया? बस एक बार, क्योंकि एक बार में इंसान का सारा पता चल जाता है, सारी कलई खुल जाती है इंसान की, हज में सब पता चल जाता है, असलियत ऐसे बाहर निकल के आती है, वाह 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 वाह, मजा आ जाता है। शैतान को पत्थर मार रहा हो तो ये पता नहीं शैतान पहले ही मार चुका, खा चुका तेरा हज, पता ही नहीं होता उसको, वो पहले मेरा हज खा चुका, कहता मारे जा पत्थर, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तेरा हज खा चुका हूं, खत्म हो गई। खैर जनाब, तो नहीं कहा ना हराम में, नहीं कहा, अरे मैं तवाफ के चक्कर भूल गया था, मैं तो उसी चक्कर में लगा होता, दोबारा साथ करने पड़े मुझे, थका था मैं, तो ये कर रहा मैं वो कर रहा हूं, हज हो गया फारिग, तेरा जिलहज को सब हज से फारिग, जिनके कोई खास मसाइल पेश आते 14 जिलहज को फारिग, अब 15 को सब निकले। अब आज तो मुख्तलिफ रास्ते हैं ना, उस जमाने में एक ही रास्ता था कि खुम तक तो सबको जाना ही जाना है, जंक्शन क्या था? जंक्शन, यहां से ब्रांच, शाम वाले शाम, इराक फला जगह वाले फला जगह जाओ, यमन वाले यमन के, इधर तक तो सबको आना है, क्योंकि एक ऐसा जंक्शन था कि यहां से भी तकसीम होते थे रास्ते, अब तो बीसियों रास्ते बन गए ना, उसे तो नहीं थे, एक जगह सबको आना है। अब सब चले आ रहे हैं खुशी से सरशार, और सबके इलाकों वालों को भी पता है कि भाई 15 को चलेगा, किसी का 3 दिन का रास्ता, किसी का 4 दिन का, किसी का 5 दिन का, किसी का 6 दिन का, मालूम है ना,
भाई 27 को आ जाएगा, भाई 20 को पहुंच जाएगा, भाई 24 को आ जाएगा, चलो एक दिन लेट आ जाएगा, है ना? ऐसे ही है। रसूल ने रोक दिया, खुम में ठहर जाओ, यहां कुछ बात करना है तुमसे, सबको रोक दो। अरे पथरीला मैंने भी देखा है मैदान, बहुत सारे लोगों ने देखा, मैंने अकेले ने क्या देखा है अभी तक, वैसे पथरीला वो ऐसे बारीक बारीक कांटे डूब जाए, मुसीबत हो जाए, वो निकलते वहां खारदार, वहां ना कालीन ना दरिया कुछ भी नहीं, हुआ बैठ जाओ, सारे बैठो यहां हुजूर। वो तो पता नहीं कितने आगे निकल गए, घोड़े दौड़ाओ वापस लाओ, कहां से आगे निकल गए, वाह वापस सबको जोड़ गए जनाब घोड़सवार, वापस चलो वापस चलो। अब ये क्या बात हुई, खुशी खुशी जा रहे थे अपने शहर जाएंगे, हाजियों का जैसे इस्तकबाल होता है माशाल्लाह, हमारे यहाँ जानते ना है, हज करके कोई आए कितनी बड़ी इबादत करके आ रहा है तो कम से कम ढोल ताशा तो लेके जाओ, एयरपोर्ट पे आखिर इस्तकबाल करना है भाई, कोई बाजा बजेगा कोई ढोल बजेंगे, क्यों हज करके आ रहे हैं हमारे साई हमारे सरदार हमारे वडेरे साहब, हज करके आ रहे हमारी पैसों पे, बैतुल माल के पैसे पे जो खून अवाम का निचोड़ गया उस पर हज करके को मजाक है, लिहाजा वहां से ढोल वोल बजे लाओ लाओ सब, इस्तकबाल जो करना है। ऐसे ऐसे सपने होते ना आंखों में, अब मैं जाऊंगा लोग आएंगे मुबारकबाद देंगे खुशी खुशी, अब उस पर अल्लाह के रसूल का बैठ जाओ बैठो इधर, पीछे रह गए का इंतजार करो उनको, जाओ कहो तेज आओ थोड़ा तेज आओ, सेंटर में जमा किया, कहा मरकज में, यानी एक पैगाम तो उसी दिन दे दिया कि ना आगे जाना ना पीछे रह जाना, आगे बढ़ने वाला मरकज विलायत से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो भी गया, जो पीछे रहेगा वो भी, ये सेंटर में रहो बस, जमा कर लिया सब, 1,24,000 हाजियों का मजमा, कितना कुछ टाइम तो लगा होगा जमा करने में, जमा कर दिया बैठ के, अब सब भाई ऐलान हो कुछ, और सब वही बैठे हुए कंकरों पे पत्थरों पे, सो नहीं सकते, सो नहीं सकते, बेचैन है कभी इस पहलू कभी इस पहलू, सुन नहीं सुनना है, जब सब जमाओगे मिंबर बनाओ, ए हबीब ए अल्लाह के रसूल कहां से मिंबर बनाए, मिंबर लेके कब चले, न मदीने से लेके आए न मक्के से लेके आए, कब बनाओ कैसे बनाए, कब पालान उतारो ऊंटों के, ऊंटों के पालन उतारो, पालनों का मेंबर बनाओ, क्यों इतना ऊंचा बनाओ कि सब मुझे देखें और इकरार करें कि हाँ देख रहे हैं, वरना कोई कह सकता था हम तो उछल उछल के देख रहे थे, हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता, हमने देखा ही नहीं, हमें नजर ही कुछ नहीं, कहने मेंबर बनाओ ऊंचा पालनों का मेंबर बनाओ, आप समझ रहे जो कहना चाह रहा हूं, तो क्या अल्लाह के रसूल को पहले से नहीं मालूम है, क्या नहीं मौला है, लेकिन नहीं, यह मशीयत इलाही, एक ऐसी हदीस आज तक ऐसी हदीस, चैलेंज, मफहूम बदल सकते हो तफसीर बदल सकते हो, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई कि हदीस गदीरे खुम का इनकार कर देता, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयन मौला, इनकार नहीं कर सका कोई हदीस का, माना बदल दे मफहूम बदल दे, क्यों, इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि रावी एक नहीं दस नहीं सौ नहीं हजार नहीं 1,24,000, क्या एक ही हदीस ऐसी जिसके रावी कितने, अब कैसे इनकार कर दें, और फिर ये कि अब लेट हो गया, आप क्या समझते हैं फौरन खत्म हो गया, सबने मुबारकबाद दी, क्या बातें कर रहे हो, 1,24,000 आदमी तो 2 घंटे में फारिग हो जाएंगे क्या, खेमा नस्ब करो, अली अंदर बैठेंगे, सब मुबारकबाद दो, तो ऐसे हो गया 3 दिन लगे कम से कम, 3 दिन तक मामला, अब लेट हो गए ना 4-5 दिन लेट हो गए, अब घर वाले, हमारे साथ भी हुआ, पढ़ रहे जद्दा एयरपोर्ट पे 1 साल, ये भी हुआ 3 दिन, वो भी थकार के इस्तेमाल ना, चलो भाई अब जगह खुद ही आ जाएगा, घर आ जाएगा खुद ही देख लेंगे, कब तक पढ़े रहे एयरपोर्ट पे, हाँ यही होता है ना आखिर में, खुशी खुशी आते हैं, फिर कह रहे हैं 1 घंटा हो गया 4 घंटे 6 घंटे बाहर, अरे यार देखेंगे जो घर जाके मुबारकबाद दे देंगे, लो घर जाओ, ऐसे ही होता है ना भाई, अब लोग भी परेशान,
तो अब जब लेट आऊंगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो लोग पहले ये थोड़ी पूछेंगे हज का हाल, अब भाई देर क्यों हुई? पहला सवाल क्या होगा बकौल अज़हर हसन ज़ैदी साहब के? पहला सवाल ये होगा कि भाई देर क्यों हुई पहले? और ये भी पहले वही बताएगा, हालांकि ख्वाब सजाए थे हज के, अरे क्या बताए, पीआईए वालों ने मुसीबत कर दी हमारी, जहाज ही नहीं आके देता था, जो जहाज आता था सारे दौड़ पड़ते थे, वो कहता था फैसलाबाद जाएगा, वो कहता था मुल्तान जाएगा। ये मेरे सामने हुआ, मैं हैरान था कि ये कौन सी एयरलाइन है भाई जिसमें जहाज आके खड़ा हुआ है, झगड़ा हो रहा है बाहर के नहीं, वो कहता है फैसलाबाद जाएगा, कहता है मुल्तान जाएगा, कहता है कराची जाएगा, कहता नहीं लाहौर जाएगा। ये देखा मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से खुद, मैं वहां मौजूद था, तो मैं तो बैठा बैठ के, मैं भाई जाने तो जिसको जाना है, 4 दिन और गुजार देंगे एयरपोर्ट, एक झगड़े में कौन पड़ेगा कि कोई शहर में जाएगा किस शहर में नहीं जाएगा जहाज, ये तक तो हालत हो रही थी वहां, खुद अपने अपनी आंखों से देखा। अब जनाब, अब जब गए तो हर आदमी सवाल यही करेगा ना, ओ भाई हाजी साहब देर क्यों हुई? अरे क्या बताएं, अल्लाह के रसूल ने खुम में रोक लिया था। पहली वजह यही बताएगा ना, पहले देर होने की वजह बताएगा, हज का हाल बाद में, पहले वो वजह क्यों लेट हुआ, ओ भाई इसलिए लेट हुआ अल्लाह के रसूल ने रोका। क्यों रोका? क्या इसलिए रोका था, अली की विलायत का ऐलान करना था। बस खत्म कर दिया मैंने गुफ्तगू को, और काफी तवील हो गया, हालांकि मैं समझा था कि इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन यहां तक बात पहुंच गई। वो पहुंची क्यों ना, आप इतने शौक का इजहार करते, आपका ज़ौक़े समात इतना बुलंद ना होता तो मैं भी जल्दी ख़त्म कर देता, लेकिन अब आपके ज़ौक़े समात इतनी मेराज पे पहुंचा तो मैंने भी सोचा कि नहीं, अब ये अब अगर मुख्तसर करता हूं तो ये डंडी मारना हो जाएगा, वो हमारे पास वो तराजू है नहीं जिसमें डंडी लगे। हम ऐसा तराजू रखते ही नहीं जिसमें डंडी लगे, है ना लोगों के तरफ डंडी वाले तराजू हैं कि नहीं है? बहरहाल खैर छोड़िए, अब तराजू से लोग पता नहीं क्या समझेंगे, ये भी एक मसला है, क्योंकि तराजू पता नहीं किस किस का निशान है, लेकिन मैंने भी 4-5 जवाब रखे हैं, अगर किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो 4-5 जवाब दे दूंगा, जो पसंद है वो रख ले भाई, तराजू के ये माने हैं, जो तेरी समझ में आए वो तू रख ले अपने पास, मेरी जान छोड़ो, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ गए? था बात मालूम हुआ ये क्या सिलसिला है। पहले दिन से अल्लाह का रसूल बता रहा है कौन है जो मेरी तरह मौला है, इल्ला ला नबिया मिन बादी, सिवाय इसके कि मेरे बाप नबी, अली नबी नहीं है, मगर इख्तियारात क्या है।